दादी मित्रों, आज हम लोग नंबर वन वाले लोग की बात करेंगे। मतलब 1, 10, 19, 28 कौन से डिसीज और रूलिंग प्लानिट इनका कौन सा है और कौन से जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो रूल करता है ये प्लानिट, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सूर्य देव का नंबर है और ये बॉडी पार्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है आइज, बोन्स, ब्लड। तो बेसिकली जिसका भी सूर्य में प्रॉब्लम है, सूर्य देव में, उनको ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो बोन्स के प्रॉब्लम, आइज के प्रॉब्लम, बेसिकली राइट आई में इश्यू है तो समझना कि आपका सूर्य में कुछ प्रॉब्लम है। और ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब बीपी भी रह सकता है इनको लॉन्ग टर्म में। और डिसीज वाइज देखने जाए तो एपिलेप्सी, इंडाइजेशन और जॉन्डिस या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। अभी ये नंबर बैलेंस करने के लिए एक स्टोन है कार्नेलियन, जो बेस्ट वर्क करता है। सनस्टोन भी अच्छा है लेकिन सब्स्टिट्यूट में कार्नेलियन भी आप यूज़ कर सकते हो। उसकी तो बहुत ही बढ़िया सुंदर एक माला आती है कार्नेलियन स्टोन की, आप ओम सूर्य नमः ऐसा बोल के 108 बार कर सकते हैं, या तो फिर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः ओम, इतना भी इतने भी मंत्र करके 108 टाइम्स आप कर सकते हो, या तो कोई महाराज के पास 7000 बार मंत्र भी करा सकते हो 15 डेज के अंदर। वो तो आपके महाराज को आप मिल के आप उनको गाइडेंस मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आप ये ओबेलिस भी कार्नेलियन की ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो या आप ऑफिस डेस्क पे, या तो आपके बेडरूम में या तो आपके लिविंग रूम में। उसके अलावा ये कार्नेलियन के टम्बल स्टोन्स हैं, ये भी आप अपने पॉकेट में रख सकते हो और टाइम टू टाइम इसके साथ मेडिटेट भी करो तो आपका सूर्य बहुत ही पावरफुल होगा। सूर्यदेव बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी फेम के लिए भी बहुत बढ़िया है, पॉलिटिक्स में जाना हो तो भी एकदम बेस्ट है। तो ये बैलेंस करने के लिए ये स्टोन्स काफ़ी अच्छे हैं। सेकंडली, जेमस्टोन अगर आपको लेने हैं तो रूबी ले सकते हो 3 से 5 कैरेट्स के बीच में, गोल्ड में पहनना है ये रिंग फिंगर में, राइट हैंड बेस्ट रहेगा। राइट हैंड में कुछ पहनते हो तो लेफ्ट हैंड भी पहन सकते हो। रूबी के सब्स्टिट्यूट में आप ये स्टोन्स भी हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो कभी भी हमको व्हाट्सएप करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो। ओम नमः शिवाय।